नमस्कार दोस्तों, अपनी इन वीडियो में मैं आप लोगों को मनुष्य शरीर में पाई जाने वाली 9 तरह की शक्तियों के बारे में बता रही हूँ। अपनी इस वीडियो में मैं आपको उस चौथी शक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। चौथी शक्ति आती है मनन शक्ति। मनन शक्ति एक तरह से बुद्धि का तीव्र होना भी बताती है। अगर किसी इंसान के अंदर ये शक्ति अपने उच्च लेवल पर है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही बुद्धिमान होगा। इसे हर फैसला, हर सही गलत करने की क्षमता इसके अंदर होगी, और अगर इसके सामने कुछ गलत भी हो रहा है तो ये बिना किसी घबराहट के हर बात को सुनेगा, उसके सही और गलत निर्णय ले लेगा, और उसके बाद सही और गलत चीज़ों पर मनन कर लेगा, और उसके बाद सही निर्णय लेते हुए अपनी उस परेशानी से बहुत आराम से निकलता चला जाएगा। इसके बाद आती है पांचवी संगठन शक्ति। अपने नाम के हिसाब से संगठन शक्ति का मतलब ही है कि सब कुछ संभालने वाला, व्यवस्थित रखने वाला, समेट कर रखने वाला। ये अपने आप में इतनी बड़ी पावर है। ऐसी पावर जिसके पास होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेता हो सकता है, शासक हो सकता है, राजा हो सकता है, लीडर हो सकता है। इसके बाद आती है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का मतलब है जिस इंसान के अंदर ये शक्ति होगी उसके अंदर इतनी पावर होगी कि वो किसी भी चीज़ में हाथ डालेगा, किसी भी काम में हाथ डालेगा, तो अपने मेंटली बैलेंस को बनाते हुए वो हर चीज़ को हर तरीके से समेट कर सही तरीके से व्यवस्थित कर लेगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। ये भी किसी नेता में हो सकती है, किसी शासक में हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको लाभदायक लगेगी। मैं अगली शक्तियों के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।